सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आजम और आज की इस वीडियो में दोस्तों आप सभी के मिलने वाले हैं क्वेश्चन के आंसर। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला कमेंट है जुबैर आलम का। जुबैर आलम पूछ रहे हैं कि सर न्यू एसी जब इंस्टॉल करें तो न्यू एसी में वैक्यूम करना जरूरी होता है। देखिए, न्यू एसी में वैक्यूम करना जरूरी नहीं होता। न्यू एसी में उसके इंडोर यूनिट और सिंपल उसके पाइपों की एयर जो है निकालना वो जरूरी होता है। मुकम्मल सिस्टम को वैक्यूम करना जरूरी नहीं होता क्योंकि आउटडोर यूनिट में तो गैस जो है ऑलरेडी फिल होती है। जब आप अपने एसी को मुकम्मल इंस्टॉल कर लें, मुकम्मल ओके कर लें, तब आप सिंपल जो है आप डिस्चार्ज या सक्शन किसी भी एक वाल को एलन की से ओपन करें और दूसरे वाल तक जो नट है आपका उसको आप थोड़ा सा ढीला रखें, लूज रखें, ताकि वहां से जो है आपकी एयर जितनी भी यानी कि एयर है पाइपों में वो गैस के जरिए से, गैस जब आप एलन की थोड़ी सी ओपन करेंगे बिल्कुल नॉर्मल, तो आपकी गैस जो है एक लाइन से जाएगी और इंडोर यूनिट से होती हुई आपकी दूसरी लाइन से वापस आ जाएगी। वहां पर आपने नट जो है वो लूज रखा होगा, वहां से आपकी एयर बाहर निकल जाएगी और फौरी आप साथ ही अपने नट को टाइट कर लें तो आपका सिंपल जो है वैक्यूम जैसा ही ये हो जाएगा। वैक्यूम कहां पर जरूरी होता है मैं आपको बता दूं कि वैक्यूम वहां पर जरूरी होता है जहां पर आपने आउटडोर यूनिट का कोई ऐसा काम किया हो, रिपेयरिंग की हो, कंप्रेसर चेंज किया हो, फिल्टर कैपिलरी ट्यूब चेंज की हो, या आपने सिंपल उसकी सिर्फ लीकेज ही रिपेयर की हो, ट्रेस करके आपने रिपेयर कर दी। बाद में आप जब उस यूनिट को मुकम्मल ए टू जेड आपने फिट किया, बिल्कुल यानी कि इंस्टॉल कर लिया, तब आप सिंपल उसको वैक्यूम मुकम्मल सिस्टम को कर सकते हैं। विवेक सिंह पूछ रहे हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे स्प्लिट एसी में कौन सी गैस मौजूद है, अगर वो लीक हो जाए या उसके ऊपर जो लिखा होता है कि इस पे कौन सी रेफ्रिजरेंट डलेगी वो भी मिट चुका हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सी गैस डलनी थी। तो देखें, यहाँ पर सिंपल अगर कुछ आप ज़्यादा अरसा इस फील्ड में रहते हैं तो फिर तो ऑटोमेटिक आपको ये चीज़ एस्टिमेट आपका अंदाजा एक हो जाएगा कि ये एसी है, ये कौन सा मॉडल है, इसमें ज्यादातर यही यूज हो रही थी, तो आप ऐसे उसको ट्रेस कर सकेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट बन जाता है कहीं पर कि आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि इसमें कौन सी गैस डलेगी, ऊपर से बिल्कुल मिट चुका है और गैस जो है वो बिल्कुल इसमें से लीकेज हो चुकी है, तो अब आपने इसमें से गैस इसमें गैस भरनी है, तो आप सिंपल क्या करेंगे उस मॉडल को देखेंगे कि ये जो स्प्लिट एसी है किस कंपनी का है और कौन सा मॉडल है। ऐसा मॉडल आप इंटरनेट पर सर्च कर लें, उसकी डिटेल मुकम्मल आ जाएगी कि इस मॉडल में, इस कंपनी के इस मॉडल में कौन सी रेफ्रिजरेंट जो है वो यूज़ होती है। आप इंटरनेट पर सर्च कर लेंगे तब भी आपको मिल जाएगी, नहीं तो आप वैसे भी कहीं पर आपको कोई दूसरा मॉडल सेम वैसा ही मिल जाता है, तो आप सिंपल उसमें उस मॉडल से ही देख सकते हैं कि इसमें कौन सी गैस डलनी थी, तो सिंपल आप वो गैस यूज कर सकते हैं। रविंद्रा कुमार पूछ रहे हैं कि सर न्यू एसी में गैस मौजूद होती है क्या? जी हाँ, न्यू एसी में गैस जो है वो कंपनी से ही भरकर आती है, कंपनी से ही वो फिल होकर आती है। इरफान शेख ने पूछा है कि सर एसी कूलिंग बिल्कुल ठीक कर रहा है लेकिन थ्रो सही से नहीं दे रहा, क्या रीजन हो सकता है? देखिए, ऐसे में जो रीजन हो सकते हैं वो कुछ ये रीजन है कि आपका इंडोर यूनिट जो है उसका एवेपोरेटर काफी ज्यादा ब्लॉकेज हो सकता है, डस्ट की वजह से गंदा हो सकता है, जिसकी वजह से वो सही से हवा को सक करके आगे ना रिलीज कर रहा हो सकता है कि आपका जो ब्लोअर है वो काफी ज्यादा गंदा हो, काफी भारी हो गया हो, जिसकी वजह से वो सही जो है घूम ना रहा हो, सही से थ्रो ना आप तक पहुंचा रहा हो। ये दो रीजन हो सकते हैं। अगर ये नहीं है, आपका बिल्कुल क्लीन है एसी, आपने सर्विस कराया है, इंडोर यूनिट आपका बिल्कुल वॉश है, ओके है, तो फिर आप सिंपल उसका कैपेसिटर चेंज कर लें। आपका जो फैन मोटर है पीसीबी किट के पास ही उसका कैपेसिटर लगा होता है, तो आप सिंपल वो चेंज कर लें, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तारिक अजीज कह रहे हैं कि सर हमारा एसी 10 से 15 मिनट बाद ट्रिप हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि सेंसर की प्रॉब्लम है। देखिए, सेंसर की प्रॉब्लम तब ही होगी जब आपका आउटडोर यूनिट मुकम्मल तौर पर फैन और उसका कंप्रेसर ऑफ हो जाया करे 10 से 15 मिनट या 20 या 25 या आधे घंटे बाद, जब भी ऑफ हो जाया करे मुकम्मल तौर पर, तो फिर आपके सेंसर की प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आपका फैन जो है आउटडोर यूनिट का चलता रहता है, उसका कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है, तो फिर आपके सेंसर की प्रॉब्लम कभी भी नहीं हो सकती क्योंकि उसको सप्लाई मिलती रहती है। सेंसर का ये काम होता है कि वो आउटडोर यूनिट को कूलिंग, जब आपकी रूम में टेम्परेचर जब आपका मुकम्मल हो जाता है जितना आपने सेलेक्ट किया हो, तो वो आउटडोर यूनिट को ऑफ करा देता है मुकम्मल, उसका फैन भी और उसका कंप्रेसर भी, उसको सप्लाई कट आउट हो जाती है।
तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपके सेंसर की प्रॉब्लम होगी तो फिर आपका आउटडोर यूनिट जो है वो मुकम्मल तौर पर ऑफ होगा, लेकिन अगर आपका फैन चल रहा है, कंप्रेसर ट्रिप है, तो फिर आपके कंप्रेसर की ही प्रॉब्लम होगी, वो हीटअप होने की वजह से ट्रिप हो रहा है, क्योंकि फैन तो आपका चल रहा है, सप्लाई तो आपको मिल रही है आउटडोर यूनिट में। तो सिंपल, फिर आप उसका कैपेसिटर चेक करेंगे, उसकी ओवरलोड चेक करेंगे, उसके आप एम्पेयर चेक करेंगे कि ये क्यों प्रॉब्लम कर रहा है। कुमार कपिल पूछ रहे हैं कि सर रेफ्रिजरेटर और एसी रिपेयरिंग में कितना फर्क है। देखिए, अगर आप रेफ्रिजरेटर को समझते हैं, उसके मुकम्मल सिस्टम को, तो आपको काफी हद तक जो है एसी जो है एयर कंडीशनर उसका भी आपको पता होगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग से लेकर आप इसी फील्ड में हैं कि एयर कंडीशनर को ही आप रिपेयरिंग करना जानते हो, तो लेकिन आपको कुछ ना कुछ जो है रेफ्रिजरेटर का भी आपको पता होगा। हाँ, इसमें फर्क जो है वो मुकम्मल सिस्टम जो है सिंपल इसका एक ही होता है, कंप्रेसर, सक्शन, डिस्चार्ज, हीट, कूल, और इसके अलावा फिल्टर, कैपिलरी ट्यूब, तकरीबन इसका सिस्टम जो है वो एक ही होता है, लेकिन हर सिस्टम थोड़ा सा बड़ा होगा, छोटा होगा, देखने में डिफरेंट डिफरेंट होगा। जैसे कि आपको पता है कि रेफ्रिजरेटर का जो है, आप फॉर एग्जांपल कंडेंसर जो है आप वो लगा लें, वो सिंपल, उसको फैन की जरूरत नहीं होती, या आप उसका एवेपोरेटर लगा लें, वो काफी डिफरेंट टाइप होता है। जो हमारा एयर कंडीशनर है उसका जो इंडोर है उसका काफी डिफरेंट होता है, लेकिन काम करने का तरीका वो सेम होता है, सिर्फ आपको डिजाइन में डिफरेंट नजर आएगा और चीजें जो है वो छोटी होगी, बड़ी होगी, कुछ ऐसा डिफरेंट नजर आएगा। वैसे उसमें फर्क काफी हद तक आ जाता है, रिपेयरिंग में फर्क आ जाता है। जो हमारा एयर कंडीशनर है उसकी रिपेयरिंग कुछ अलग टाइप से होती है और रेफ्रिजरेटर की कुछ अलग टाइप से होती है। और रेफ्रिजरेटर में मैं आपको बता दूं कि ज्यादा चांस होते हैं, अगर आप इसकी गैस चेंज कर रहे हैं, यानी कि लीकेज थी, फिर आपने इसकी गैस रिफिल करनी है, या कंप्रेसर चेंज किया है, रेफ्रिजरेटर में ज्यादा चांस होते हैं कि ये चोक हो, एयर कंडीशनर में ज्यादा चांस चोकिंग के भी नहीं होते। इसके अलावा बहुत सारे कमेंट्स कुछ मुझे ऐसे आ रहे थे कि वो पूछ रहे थे कि सर अगर हम कंप्रेसर में, आउटडोर यूनिट में कंप्रेसर में कैपेसिटर जो है वो वीक होने पर हम अगर 35 UF लगा है तो हम 50 या 55 UF का लगा लें तो क्या बेस्ट है। तो वो इसलिए कह रहे थे कि कंप्रेसर जो है उसकी लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाए, उसको पावर अच्छी मिले, तो वो हीटअप ज्यादा ना हो, अम्पेयर ज्यादा ना बढ़ाए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो ओरिजिनल कैपेसिटी दी गई होती है 1 टन में 1.5 टन में 2 टन में जो कंपनी ने डिजाइन करके दी गई होती है, फॉर एग्जांपल आपके यूनिट में 45 UF का कैपेसिटर मौजूद है, लगा है, ओरिजिनल कंपनी ने जो लगाया था, वीक होने पर आप 45 का ही लगाएं। अगर आप 45 का नहीं लगाना चाह रहे तो फिर आप 5 माइनस या 5 UF प्लस कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। अगर आप ज्यादा करेंगे तो ज्यादा कैपेसिटी होने पर भी आपके कंप्रेसर को नुकसान है, और ज्यादा नीचे आने पर भी, नीचे अगर आप यूएफ कैपेसिटी करेंगे तो तब भी आपके कंप्रेसर को नुकसान है। सिर्फ आप 5 यानी कि 35 UF का था, आप 40 UF का उसको कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो ये थी आज की Q&A वीडियो, मेरा ख्याल है आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होंगी सभी क्वेश्चन एंड आंसर। तो ऐसी वीडियोस मजीद देखने के लिए इस फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।